नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जिले में खदानों के गड्ढों में डूबने से मौतों का सिलसिला प्रतिवर्ष जारी है। गत वर्ष भी कुछ बच्चों की खदानों में डूबने से मौत हो गई थी। इस बार भी खदान में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैंट थाना के अंतर्गत ग्राम सतकतपुर के आगे शमशान घाट की भूमि के समीप जगह जगह खदानों के गड्ढे से पानी भरा होने से उसमें नहाने गई एक 10 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बच्ची के पिता जयराम सिंह पटेरिया ने बताया कि ये घटना 2:30 बजे की है। पुलिस ने सबको PM कराकर जांच शुरू कर दी है। खदानों के गड्ढों में डूबने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी खदानों में डूबने के मामले सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की थी। इसके बाद फिर वैसा ही रवैया खदान मालिकों के प्रति अपना लिया। खदानों के चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, ना ही चेतावनी के बोर्ड लगे हैं। ऐसे में प्रशासन खदान मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता, यह समझ से परे है। यदि समय रहते प्रशासन ने खदान मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में और भी खदानों में डूबने से बच्चों की मौत हो सकती है। कल थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत सतकतपुर ग्राम में, जहां दोपहर में एक 10-12 साल की बच्ची अपने अन्य परिवार के 3-4 बच्चों के साथ सतकतपुर तालाब में नहाने के लिए गई थी। उसको तैरते नहीं लग रहा था और वो थोड़ा तालाब के अंदर गहराई में चली गई। अन्य बच्चे देख रहे थे, उसी दौरान जो है उसको अंदर जाने से, काफ़ी अंदर गहराई में जाने से उसकी पानी में डूबने से डेथ होना बताई गई है। उसके माता पिता उस दौरान जो है चने की बुवाई करने गए थे, और जैसे ही अन्य बच्चों ने बताया, जाके दौड़ के उसके माँ बाप आए और उस बच्ची को तालाब में से निकाल के अस्पताल लाए थे, जहाँ उसकी डेथ डॉक्टरों ने घोषित की है। प्रथम दृष्टया बच्ची की मृत्यु जो है पानी में डूबने से ही हुई है। उनके मदर फादर को भी किसी प्रकार की उसकी शक नहीं है। हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं बच्ची का, और जो भी रिपोर्ट हमें आएगा उसके आधार पर, हम तथ्यों के आधार पर जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, ये रिपोर्ट में जो भी आएगा उस आधार पर हम जाँच करके कार्रवाई। बच्ची का नाम क्या था? ये बच्ची का नाम है सकली, सकली बाई। उम्र कितनी? उम्र 10 साल है। जयसिंह बारे ना पटेलिया आदिवासी लोग निवासी सकतपुर के ही है, वहीं के निवासी। लक्की करना है ये कल दोपहर 2:30 बजे, उसमें कोई विशेष वैसे वैसा नहीं है। सर लगभग कितने बच्चे गए थे? 3-4 बच्चे और थे इसके साथ, इसके परिवार के बच्चे थे। कारण जो है हो जाता है हादसे, कभी कभी क्या है माँ बाप रहते नहीं, बच्चे खेलते खेलते तालाब में चले जाते हैं और नहाने के दौरान ही इस टाइप की बात आते हैं, देखने में आती है, जो कि दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे अनजान होते हैं और जाके बेचारे नहाने के दौरान ही ध्यान नहीं रखते कि गहराई कितनी है, और वे अंदर चले जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर निगाह रखना चाहिए। देखते हैं और इस पर और भी सावधानियाँ बरते हुए उस पर। मंडी में आवक बढ़ते ही निर्मित होने लगी जाम की स्थिति। इन दिनों मंडी में सोयाबीन की आवक काफी बढ़ गई है, जिसके चलते तेलगानी चौराहे पर जाम की स्थिति बन जाती है। आपको बता दें कि किसान मंडी से अनाज बेचकर पुरानी गल्ला मंडी में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करते हैं, जिससे तेलगानी चौराहे पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। Thank you.
के चलते बाजार हुआ गुलजार। आपको बता दें कि 27 तारीख को करवा चौथ है, जिसके चलते बाजार में जहां देखो वहां महिलाएं खरीदारी करती नजर आ रही हैं। ये बढ़िया लगी। वो तो देख रहा है, मैं सामने एक साड़ी देख रही हूं। मंडी में इन दिनों सोयाबीन की बंपर आवक हो रही है। वहीं मंडी में यह अफवाह उड़ी है कि भावांतर योजना बंद हो रही है। इस संबंध में हमने मंडी अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये योजना बंद नहीं हुई है और इस योजना के तहत खरीदारी 20 अक्टूबर से चालू कर दी गई है। वहीं अधिकारी का कहना है कि अगर किसान अपनी फसल के दाम से संतुष्ट नहीं है तो वह दोबारा बोली भी लगवा सकता है। वहीं अधिकारी का कहना है कि किसान व्यापारियों से चेक से भुगतान न ले, अगर चेक से भुगतान किसानों को होता है तो इसमें मंडी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं अधिकारी ने यह बताया कि व्यापारियों से ये बोला गया है कि किसानों को चेक से भुगतान न करें, किसानों को सिर्फ RTS और NFT के जरिए भुगतान करें। किसान भाई जो है जितने भी हैं वो कम से कम जो हमारी फेड भावांतर योजना है वो 20 अक्टूबर से 19 जनवरी तक है, तो ऐसा कुछ ना समझें कि ये योजना अभी बंद होने वाली है। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपना प्रतिस्पर्धा के साथ ही अपने माल को विक्रय करें। जब तक किसान बंधु संतुष्ट ना हो जाए अपने भाव से वो कितनी भी बार अपनी बोली जो है लगवा सकते हैं डांग नीलामी, बस सकते कि उसका जो अनुबंध बोल दें डांग नीलामी से कि मैं इस रेट से संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरा, किसान भाई पेमेंट जो मंडी का है वो RTGS और NFT के माध्यम से ले रहे हैं। RTGS और NFT से किसानों के पेमेंट में यदि कोई आपत्ति आती है तो तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर जो है कृषि उपज मंडी समिति से संपर्क करें या अधिकारियों से संपर्क करें, व्यापारी से RTGS का नंबर लें, कोड लें बैंक कोड, जिससे भुगतान की जो है अनावश्यक कोई व्यवधान ना हो। किसान किसी भी कीमत पर चेक व्यापारियों से ना लें, चेक प्रतिबंधित है। यदि चेक के भुगतान में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो मंडी प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, ये हम अनाउंस भी करा रहे हैं। और व्यापारियों से भी अनुरोध है कि अपने भुगतान को चेक से ना दें। RTGS NFT की पारदर्शिता के लिए किसान बंधुओं को तत्काल जो है बैंक का बारकोड जारी करें। अहिंसा जैन ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया हड्डी रोग जांच शिविर, इस शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों की जांच की गई, साथ ही उन्हें दवाएं भी वितरित की गई। Thank you.
समय समय पर एक वर्ष में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें समाज सेवा को दृष्टिगत सामने रखा जाता है। आज एक बहुत अच्छा क्षण आया है जब हड्डियों संबंधी रोग के उपचार हेतु और उनकी जांच हेतु यहाँ पर हमने समस्त नगरवासियों को आमंत्रित किया है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर श्री लाहौटी जी, डॉक्टर श्री अनुराग जी, बॉम्बे से जो महानुभाव पधारे हैं हमारे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर एकता जैन, सुधीर जी, इन सभी के सहयोग से आज ये शिविर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सम्पन्न हो रहा है। मोदी सरकार की वापसी के लिए कर्नाटक की महिला कर रही कैंपेनिंग। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक मूल की महिला विजय लक्ष्मी इन दिनों पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। इस तरह से ये महिला शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रही है। यही नहीं, विजय लक्ष्मी ने यहां पर एक ट्रक को भी खींचा। सरकार में दिए गए, अभी आपको भी मन गए सुधार घर योजना महिलाओं के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इतनी एक नहीं दो नहीं महिलाओं के इतनी सारी योजना दी गई है। इसलिए मैंने ये योजना पहले, इसके पहले भी मैं ये यात्रा की हूँ चेन्नई से दिल्ली तक, तो सारी योजना इनको महिलाओं के सामने रखते हुए 4,024 किलोमीटर मैंने ट्रैवल की है चेन्नई से दिल्ली। ये मेरी दूसरा ट्रैवल है, ये पूरा मध्य प्रदेश में कर रही हूँ। तो मेरा इसमें अभिलाषा है कि फिर मोदी जी पीएम बनना है, इसलिए कहो दिल से मोदी फिर से नारा लेकर मैं इस यात्रा को कहो ठीक मैं जा रही हूँ। 3,200 किलोमीटर की यात्रा कर रही हूँ, 12 दिन का है। आज पहली दिन ही ग्वालियर से हम पधार रहे हैं, ग्वालियर से आगे अभी रात को गुना पहुँचे थे, फिर आगे भी कल से यात्रा 12 दिन के लिए। राम ने ताड़का सहित अन्य राक्षसों का किया वध। आरोन के दास हनुमान मंडल द्वारा चल रही श्री रामलीला के तीसरे दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम पहुंचे और ताड़का सहित अन्य राक्षसों का वध भी किया। वहीं रामलीला में आरती नगर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर कैलाश सिंह व लखन रघुवंशी ने की रामलीला। देखने के लिए आसपास के गाँव से हजारों लोग प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। वहीं रामलीला में राम का सुंदर अभिनय दिनेश बुंदेले के द्वारा किया जा रहा है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। Thank you.
जहाँ बताओ आप पहले, और आपका नाम बताओ, आपका परिचय बताओ, और आप बताओ कौन से देश से आए हो आप। देसी आनंद न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।